हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर सुनने टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले राजस्थान के एग्जाम हैं उन सभी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों, पटवारी, वनपाल, वनरक्षक, हाईकोर्ट, SI और RPSC के लिए ये बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र, जिसमें घन वाद्य यंत्र हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट अधिकतर रिपीट होते हैं उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो अपना चौथा पार्ट है वाद्य यंत्रों का, उनके बारे में, जिसमें है घन वाद्य यंत्र। तो और बाकी के 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो आज शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक रह गया था उन सभी के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो अब शुरू करते हैं अपना, एक मिनट दोस्तों, इसको हटा देते हैं। देखिए, घनवाद्य यंत्र जिसकी ट्रिक है करताल, करताल कल श्री राम भरतार का मंजर था। करताल को बोल रहा है कोई आदमी या व्यक्ति कि करताल कल श्री राम भरतार का क्या था, मंजर था। अब मंजर था, बस ये ही याद रखना है, बाकी आपको घनवाद्य यंत्र आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, करताल से क्या याद रखोगे, करताल, करताल से याद रखना दोस्तों, करताल और खड़ताल दोनों ही आसान है। ये कौन से वाद्य यंत्र हैं, घनवाद्य यंत्र हैं। कल, कल से याद रखने के दोस्तों, देखो हाकल के अंदर कल छिपा हुआ है, हाकल में कल छिपा हुआ है, तो हाकल भी किसका है, ठीक है, किसका, घनवाद्य यंत्र का। श्री, श्री से याद रखना दोस्तों, श्री से याद रखना होंगे श्रीमंडल, श्रीमंडल भी वही है, ठीक है, श्रीमंडल भी किसकी, किसका है, घनवाद्य यंत्र का। राम से याद रखना दोस्तों, राम, राम से रमझोल, क्या याद रखोगे, राम से रमझोल। भर से, भरतार में देखो भर है, तो भर से याद रखोगे भरनी, भरनी है। तार से क्या याद रखोगे दोस्तों, तार से हो जाएगी तारपी, क्या हो जाएगी, तार से तारपी, तार से क्या हो जाएगी, तारपी, ठीक है। का से क्या याद रखोगे दोस्तों, का से याद रखना कागरज, कागरज भी एक घनवादी अंतर है। मंजर से याद रखना दोस्तों, मंजीरा, मंजर से क्या याद रखोगे, मंजीरा। था, था से क्या याद रखोगे, थाली, ठीक है। ये तो हो गए दोस्तों अपने आज की जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, उस सभी के बारे में, घनवाद्य यंत्र के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो घनवाद्य यंत्र से संबंधित है, उन सभी के बारे में इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हम लेते हैं वाद्य यंत्र दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तत्ववाद्य यंत्र, उसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है, जरूर देख लीजिएगा। सुषिरवाद्य यंत्र, उसकी भी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। तीसरा नंबर का वाद्य यंत्र है अवनदवाद्य यंत्र, जिसे हम तालवाद्य यंत्र भी कहते हैं दोस्तों, तो वो, इसकी ट्रिक भी मैंने बता दी है। और घनवाद्य यंत्र चौथा है, जिसकी ट्रिक मैंने आज बताई है, पहला उसी का काम किया है। तो अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पहला है बात ये कि सितार, सितार और वीणा, ये दोनों क्या है, सितार और वीणा व ईरानी तंबूरा, इसका आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो इसका आविष्कार दोस्तों अमीर खुसरो ने किया, किसने किया, अमीर खुसरो ने इसका आविष्कार किया था दोस्तों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, जो रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक हैं, रविशंकर क्या है, प्रसिद्ध सितार वादक। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में आया हुआ है, ये वाद्य यंत्रों में भी नहीं, ये तो अदर जो GK है उसमें भी पूछ लेते हैं। तो प्रसिद्ध सितार वादक कौन है, तो वो है पंडित रविशंकर जी, वो है प्रसिद्ध सितार वादक, ठीक है। अब रावणहत्ता, रावणहत्ता राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है दोस्तों, क्या है, राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। वीणा का प्रारंभिक रूप क्या है दोस्तों, वीणा का प्रारंभिक रूप क्या है, जंतर, क्या है, जंतर। जहूर खां मेवाती, इसके बारे में कई बार पूछ लेते हैं कि भंपंग के जादूगर किसे कहते हैं,
बम्पंग के जादूगर किसे कहते हैं? तो दोस्तों बम्पंग के जादूगर जहूर खां मेवाती को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पंडित विश्व मोहन भट्ट किस में प्रसिद्ध है? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट, इसके नाम से पता चल जाता है मोहन वीणा रस के निर्माता है दोस्तों। ये कौन है? मोहन वीणा रस के निर्माता है। प्रसिद्ध सुरनाई वादक कौन है? एग्जाम क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सुरनाई वादक कौन है? तो वो है दोस्तों पेपे खां। तो वो कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, उन्हीं से लिए गए हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा कहीं से भी नहीं लिए मैंने, ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं, उनकी ही सीरीज है। प्रसिद्ध नंगाड़ा वादक कौन है? तो दोस्तों प्रसिद्ध नंगाड़ा वादक कौन है? रामकिशन जी। कर्णाभील प्रसिद्ध वादक है, किस चीज के वादक है कर्णाभील? तो दोस्तों वो है नड के वादक। किसके? नड के, नड वादक है ये। ठीक है, फिर है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पंडित रवि कुमार शर्मा का संबंध किससे है? पंडित शिव कुमार, रवि नहीं सॉरी, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस चीज से है? तो वो है दोस्तों संतूर से इनका संबंध है, संतूर वाद्य यंत्र से। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है? तो वो है दोस्तों पंडित पुरुषोत्तम दास। कौन है? पंडित पुरुषोत्तम दास है दोस्तों। फिर है नेक्स्ट, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो पंडित जसराज का संबंध दोस्तों डागर घराने से है। किससे? डागर घराने से। सद्दीक खां मांगणियार खड़ताल के जादूगर कहलाते हैं। कौन से? क्वेश्चन आता है कि खड़ताल के जादूगर किन्हें कहते हैं? तो दोस्तों खड़ताल के जादूगर सद्दीक खां मांगणियार को कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, केसरिया बालम मांड शैली का गीत है, किस शैली का गीत है? तो केसरिया बालम किस शैली का गीत है दोस्तों? तो केसरिया बालम एक मांड शैली का गीत है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और होते रहेंगे दोस्तों, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन रट लेना दोस्तों, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और इनमें से मिल ही जाते हैं एक या दो क्वेश्चन। तो दोस्तों इनको कंटेस्ट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। तो पहले वाले वीडियो भी ज़रूर देख लें दोस्तों, आपको उनसे भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए।